आज लाइट गई तो अच्छा लग रहा है, बताओ। इस वजह से लाइट गई मतलब? तो तेरी स्मार्ट वॉच इसे बस टाइम ही दिखता है और कुछ भी दिखता है? अच्छा कॉल भी, और क्या दिखता है इसमें? बस टाइम। तो कैसी है जनता, मैं आपकी शैलजा लेके आया एक न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग का टॉपिक है कि मुझे अपनी न्यू वाईफाई की प्रॉब्लम्स को दूर करना है, और उससे पहले हम करते हैं योगासन। पहला स्टेप है भुजंगासन का। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को फ्लैट कर लीजिए और ज़मीन पर लगाइए, फिर अपने हाथों को ज़मीन पर लगाकर टमी से ऊपर ऊपर अपनी बॉडी रखिए, फेस को आसमान की तरफ देखिए, इससे धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी टमी में जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो जल्द से जल्द डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, और आपके पेट की जितनी भी रोग प्रॉब्लम्स सब सारी दूर हो जाती है। आई होप कि आपको बेनिफिट हुआ हो। तो गाइस अभी मैंने कर लिया है योगा एक्सरसाइज और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट टिप्स भी दे दिए हैं। तो अब मैं जाने वाली हूँ नीचे, और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, लगभग 6:30 और 7 बजे मैंने अपना योगा स्टार्ट किया है। तो अभी बज रहे हैं 7:30, योगा मेरा कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज भी, और अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। ओ गाइस, आज मेरे को बताना है आपको कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया है कि मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम चल रही है। आपको दिखाती हूँ, यहाँ मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम चल रही है। इस समय ऑन है, पर जब क्या होता है लाइट भाग जाती है तो ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। खुलता है तो फिर 5 मिनट और एक्स्ट्रा लेता है खुलने में। तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन करवा देना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो बस यही सोचा है कि आज जाना है बाहर और ये चीज ठीक करवानी है, इसको सॉर्ट आउट करना है। तो अभी मैं फटाफट फ्रूट्स खा लेती हूँ, उसके बाद उठती हूँ, खाना वाना खाती हूँ, उसके बाद नहा धोकर निकलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो गाइस अभी बजे सुबह के 9, मैं अपनी सारी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है और मैंने वीडियो अपलोड कर दी जो आपको 3 बजे दिख जाएगी। और अभी मैं खा रही हूँ ओट्स। तो गाइस काफी लोगों ने मेरे को बोला जो आपने व्हाइट रूम रेनोवेट किया है वो अभी तक आपने शो नहीं किया है, तो अभी ओट्स खाने के बाद मैं आपको एक लुक दे देती हूँ। प्रॉपर लुक नहीं, अभी हम काफी ज्यादा उसमें रेनोवेशन करेंगे, बट जितना हो चुका है उतना मैं आपको दिखा दूंगी। अभी बज रहे दिन के 4 और मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मेरे वाईफाई में आ गई ये प्रॉब्लम, वो ये है कि मेरे स्विच में जो होता है इन्वर्टर के कनेक्शन नहीं है कुछ में, और जहाँ वाईफाई लगा हुआ है वहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। इस वजह से अब मेरे को शॉप पे जाके भैया को बुलाना पड़ेगा, वो स्विचेज में मेरे इन्वर्टर के कनेक्शन करवाएंगे। तो क्योंकि वीडियो अपलोड होनी होती है काफ़ी दिक्कतें होती है, तो अभी हम जाने वाले हैं और लेके आते हैं भैया को, वो करेंगे हमारे इन्वर्टर का कनेक्शन, जिससे हमारा वाईफाई अच्छे से बिना किसी दिक्कत के चलेगा। आप सभी को ये ज्ञात है कि इस वर्ष भी श्री शनि धाम रामनगर में मनाया जा रहा है। मैंने यहाँ पे भैया से बात कर लिया शॉप जाके, और भैया ने कहा है वो अभी आने वाले हैं, और वही भैया आने वाले हैं जिन्होंने मेरे ये शीशे लगाए थे डांस क्लास के, वही मेरे मैटर के कनेक्शन भी कर देंगे। तो वेट करते हैं जब तक वो आते हैं। तो यार हमारी गली में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, आगे देखते चलो। शीशे भैया कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हिला भी नहीं है, टूटा भी नहीं है। आ जाओ भैया ऊपर आ जाओ, हाँ ऊपर ही करवाना है। ट्यूब का फाइबर लगा हुआ है यहाँ पे, मुझे इन्वर्टर का कनेक्शन करवाना है। पंखा सब कुछ इन्वर्टर पे है, बस ये जो ये है ना ये इसको फिक्स करना है। भागी ना लाइट? लाइट ही चली। चलो ये तो अच्छा ही हुआ, आज लाइट गई तो अच्छा लग रहा है, बताओ। इस वजह से लाइट गई मतलब? ये ना इससे टच हो गया ना, ये होने ही वाला था। ये किस चीज का है, स्विच का या नहीं? ये काफी दिनों से इस पॉइंट से टच हो रहा था, अभी सीट ऊपर नीचे गया तो। अच्छा ये इस पॉइंट से टच हो रहा था इससे, अच्छा आप ठीक कर दो बस इसे। चलो अच्छा है, बुला लिया आपको।
अभी इसमें हरी बत्ती जलेगी तब पता चलेगा। वैसे तो ये जल चुका है, अगर लाइट जल गई है ना तो फिर ये चल चुका है। फाइनली गाइस मेरा ये जियो फाइबर इन्वर्टर से कनेक्ट हो चुका है थैंक्स टू भैया। एमसीबी गिर, ये कैसे गिरी? सही हो गया ना? ठीक है भैया ओके, मैं एक बार देख लूंगा, हरी बत्ती जल रही है तो एक मिनट। हाँ हरी बत्ती जल चुकी है, भैया ने सही कहा है, लाइट भी जल रही है, फैन भी चल रहा है। हाँ इसमें लाइट जल रही है। हाँ भैया ओके भैया, फाइनली गाइस मेरा वाईफाई से कनेक्ट हो गया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मेरा वाईफाई लग गया, जो वो वाईफाई लग गया जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वाईफाई लगवाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में मतलब मम्मी पापा मैं रहते हैं फिलहाल, तो भी मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती नेट की। पर जब से ये व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है तो अपना अपलोडिंग में इतना टाइम लगता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। अब क्या वाईफाई लग चुका है, ऊपर से इन्वर्टर का कनेक्शन भी लग चुका है, तो अभी मेरे को ये पता नहीं था, मुझे लगा इन्वर्टर का कनेक्शन ज़्यादा पैसों में लगता है, वो लगा लग जाएंगे कम से कम 200-300, बस ऐसा नहीं हुआ, 50 रुपीज़ में का, वो भी मैंने कमी ले लिए तो चलो अच्छा ही है। तो मम्मा ने मेरे को कुछ सामान लाने को बोला है तो अभी मैं सामान लेके आ जाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी आने वाले हैं 15-20 मिनट में, तो मेरे को जल्दी से जाके लेके आना पड़ेगा। चलते हैं तो भैया ये दे दीजिए, सारे दे दो। हाय तो गाइस यहाँ मैं घर पहुँच चुकी हूँ अपना सामान लेकर, और बच्चे भी यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। हेलो दीदी, गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग दीदी। चलो बच्चों ने एंट्री की, बच्चों जाओ लाइट वाइट ऑन करो। ओ माय गॉड, स्मार्ट वॉच पकड़, पकड़ चल तो रही नहीं क्या, अरे यहाँ से चलती है। अरे वाह, अरे अच्छा अभी तो बच्चों के, नमस्ते बेटा आ जाओ, दिखाना कहाँ नहीं दिखा तो, तेरी स्मार्ट वॉच इसे बस टाइम ही दिखता है और कुछ भी दिखता है? अच्छा कोल भी, और क्या दिखता है इसमें? बस टाइम, स्मार्ट है ये, गुड टाइम दिखता है इसमें। तो यार बच्चों के लिए यही स्मार्ट है, इसमें कॉल भी हो सकती है, है? मेरे पास भी है, अभी मैंने पहने रखी फिलहाल। चलो अब आते हैं डांस सीखते हैं। अगर आपको आज की जियो फाइबर की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।